बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू डिस्कस टुडे द रिमेनिंग टॉपिक्स रिलेटेड टू द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड ऑफ यूनिट नंबर 11 ऑफ क्लास 10 फिजिक्स। सो द फर्स्ट रिमेनिंग टॉपिक वाज क्वालिटी ऑफ साउंड, नॉइजी एंड म्यूजिकल साउंड। देन वी हैव टू सी द डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक। वी विल ऑल्सो डिस्कस मोनोटॉनिक एंड पॉलीटॉनिक साउंड। And we will also look at a glance the related exercise items like MCQs and short questions. And at the end, we will take a review of these topics. Okay, students, sound quality or quality of sound is this, that sound quality or timbre makes the different instruments in orchestra sound different even when they are playing the same note. बेटे आप लोगों ने देखा है ना, जब वो कोई बैंड, म्यूजिकल बैंड इंस्ट्रूमेंट्स के साथ वो सिंगिंग कर रहा होता है या वो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहा होता है, तो उसमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जैसे कि आप फिगर में भी देख रहे हैं ना, डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये। अच्छा, हर एक की जो है वो टोन और उसकी साउंड जो है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन साउंड क्वालिटी वो चीज़ है, वो करैक्टरिस्टिक है साउंड की, लाउडनेस की, मतलब साउंड की जो है ना वो करैक्टरिस्टिक्स है, जिसके अंदर हम दो इंस्ट्रूमेंट्स जो कि एक ही वक्त में मतलब वो बज रहे हों, और तो हम उसकी वजह से हम उन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो साउंड क्वालिटी को हम टिम्बर भी कहते हैं। ये चीज़ आपने ना जहन में रखनी है। अगर किसी रूम में गिटार बज रहा हो या वायलिन बज रहा हो या फ्लूट बज रही हो, तो वी कैन ईजिली डिफ्रेंशिएट दैम। हमें उनकी वॉइस का, उनकी साउंड्स का ईजिली डिफरेंस पता चलेगा। तो जिस करेक्टरिस्टिक्स की वजह से हमें उनका डिफरेंस पता चलता है, दैट इज़ कॉल्ड क्वालिटी और साउंड क्वालिटी। और ये भी याद रखना है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मेक साउंड्स ऑफ सेवरल डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एट द सेम टाइम। द ब्लेंडिंग ऑफ दीज फ्रीक्वेंसीज इज टिम्बर। यानी आप देखें कि वो मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज पे होते हैं उस टाइम पे, तो उनको जब हम ब्लेंड करते हैं, इकट्ठा करते हैं उन फ्रीक्वेंसीज को, तो वो क्या बन जाता है, टिम्बर। फिर हम उसकी वजह से मतलब जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं साउंड क्वालिटी और क्वालिटी ऑफ साउंड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू सी द डेफिनेशन ऑफ यू नो क्वालिटी ऑफ साउंड। सो क्वालिटी ऑफ अ साउंड इज दैट कैरेक्टरिस्टिक विच डिस्टिंग्विशेस द टू साउंड्स ऑफ द सेम लाउडनेस एंड सेम पिच बट इमिटेड बाय टू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। इवन इफ द साउंड्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स हैव द सेम फ्रीक्वेंसी एंड सिमिलर वेवलेंथ, दे आर डिफरेंट। एंड एग्जाम्पल इज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ गिटार एंड अ सितार। Next we have to see the difference between music and noise. Mean why some sounds appear to us musical, melodious, and why some voices or sounds appear to us noise, right? Some sounds are pleasant to us and some are irritating for us. So now we have to see the difference that why they are like this. Why someone are known as musical and why someone are known as noisy sounds. Now we will see what is a noise, right? Noise is unwanted sound considered unpleasant, loud or disruptive to hearing, ठीक है ना। ये फिगर में भी आप देख सकते हैं कि ये नाखुशगवार आवाज़ होती है, हमारी हेयरिंग पे, हिस्से समात पे बुरा असर डालती है, ठीक है ना, शोर जिसको हम कहते हैं। तो कहते हैं कि म्यूजिकल साउंड्स आर वाइब्रेशंस विच आर स्ट्रांगली रेगुलर, मतलब रेगुलर इनके जो चेंज आता है ना वो रेगुलर होता है। व्हेन यू हियर अ रेगुलर वाइब्रेशन योर ईयर डिटेक्ट्स द फ्रीक्वेंसी एंड यू परसीव दिस एज द पिच ऑफ अ म्यूजिकल टोन। अच्छा, ये दोनों फिगर्स जो है ना आप देखिए कि एक में जो है वो बड़ा ही डिस्ट्रप्टिव सा वेव पैटर्न है, ठीक है, जो कि नॉइस को इंडिकेट कर रहा है, इररेगुलर है वेव पैटर्न, वेव फॉर्म। जबकि जो सेकंड फिगर है उसमें एक बड़ा ही रिदमिक और बड़ा ही सॉफ्ट और एक रेगुलर जो है वो उसको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं म्यूजिकल साउंड। तो आवाज़ वही है ना जो अच्छी लगती है कानों को, भली लगती है, सुरीली लगती है, उसको हम म्यूजिकल साउंड्स कहते हैं, ठीक है ना। जैसे सॉन्ग्स हो जाते हैं या कोई नेशनल सॉन्ग्स हो जाते हैं या किसी बर्ड की बड़ी एक सुरीली सी आवाज़ होती है, जैसे कुकू की आवाज़ होती है, कोयल की होती है, ठीक है। दूसरी तरफ जो शोर होता है वो जैसे बहुत ज़्यादा हैमरिंग हो रही हो या ड्रैगिंग हो रही हो टेबल्स की, चेयर्स की, या ट्रक्स के हॉर्न होते हैं, ट्रेन का हॉर्न होता है, ठीक है ना, कितना नॉइजी होता है।
तो ये इरिटेटिंग होता है, ठीक है। और उसकी रीज़न यही है कि उसका जो वेव फॉर्म के अंदर होता है नॉइजी साउंड्स के अंदर वो इरेगुलरिटी होती है, और म्यूजिकल साउंड के अंदर रेगुलरिटी होती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू सी द नॉन म्यूजिकल साउंड्स विच आर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एंड चेंजिंग फ्रीक्वेंसीज। यानी एक तो डिफरेंट किस्म की फ्रीक्वेंसीज होती हैं, दूसरा वो बार बार फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही होती हैं, ठीक है। और योर ईयर स्टिल फॉलोज दीज वाइब्रेशन, यानी उनको वो फॉलो करता है, बट देर इज़ नो स्ट्रॉन्ग रेगुलरिटी फ्रॉम विच यू कैन पिक अप अ म्यूजिकल टोन। यानी उसके अंदर ऐसी कोई आपको रेगुलर टोन नज़र नहीं आती जिससे कि आपको लगे कि वो म्यूजिकल साउंड है या आपको उसके अंदर कोई अच्छी चीज़ लगे। इस डायग्राम में आप देखिए कि जो नॉइज की डिफरेंट वेव फॉर्म बताई हुई है और म्यूजिकल साउंड्स की, आप देखें म्यूजिकल साउंड्स के अंदर कितना रिदमिक चेंज आ रहा है, ठीक है, रेगुलर चेंज है। जबकि नॉइज़ की तीनों डायग्राम्स के अंदर आप देखें बिल्कुल ही फ्रीक्वेंट और इरेगुलर चेंज है, जिसकी वजह से हमें कुछ पता नहीं चलता कि ये किस किस टोन में किस किस इंस्ट्रूमेंट की जो है वो साउंड है, ठीक है। इसलिए ये होता है नॉन म्यूजिकल साउंड्स और नॉइजी साउंड्स। ओके, नाउ वी हैव टू सी दैट म्यूजिक इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज मोनोटोनिक। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ मोनोटोनिक? दैट इट इज़ कम्पोज ओनली ऑफ प्योर टोन्स, राइट। मोनोटोनिक म्यूजिक इज डल एंड लाइफलेस लाइक ए 1990s रिंग टोन वर्स देन दैट इवन। बेटे अगर आप कभी पुराने ड्रामा या पुरानी मूवीज़ देखें ना, तो उसके अंदर कभी टेलीफोन की जो रिंग टोन होती थी वो बड़ी ही इस तरह की होती थी, एक ही तरह की आवाज़ सुनाई देती थी, टिन 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 टिन, ठीक है। तो वो मोनोटोनिक होती थी, जैसे लाइक ए 1970s डिजिटल वॉच अलार्म, नाउ वी आर टॉकिंग लाइक एन ऑसिलेटिंग सर्किट अटैच टू अ स्पीकर, ठीक है ना। तो ये बार बार जो वाइब्रेशन होती थी उसमें से एक ही तरह की आवाज़ जो थी वो आती थी, और एक ही तरह की प्योर किस्म की टोन्स इसके अंदर होती थी। तो ऐसा जो म्यूज़िक होता है उसको हम कहते हैं मोनोटोनिक। नाउ वी विल सी रियल म्यूज़िक एंड पॉलीटोनिक म्यूज़िक, राइट। सो रियल म्यूज़िक हाउएवर इज़ पॉलीटोनिक एंड इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ प्योर टोन्स प्लेड टुगेदर इन अ मैनर दैट साउंड्स हारमोनियस, के इस तरह से इकट्ठे उन्हें वो अपना काम करते हैं टोन्स जो है उनकी, के साउंड जो है वो हारमोनियस लगती है, मेलोडियस लगती है, ठीक है। वो जैसे सिंपल हारमोनिक नहीं पढ़ा था, उस तरह की साउंड जो है हमें ये इस पर फील होती है। और अ साउंड कम्पोज ऑफ मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज लाइक दैट प्रोड्यूस्ड बाय अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी इसमें फ्रीक्वेंसीज एक ही तरह की नहीं होती, उसमें ज़्यादा डिफरेंट किस्म की फ्रीक्वेंसीज का कॉम्बिनेशन होता है। और ये जो साउंड्स हैं वो पीरियोडिक होती है, जैसे ह्यूमन वॉइस होती है, लेकिन ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। किसी एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट की निस्बत ये कॉम्प्लेक्स होती है, जिसकी एक ही फ्रीक्वेंसी हो और जिसमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज हो, और ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज के साथ वो एक ही तरह की मेलोडियस साउंड हमें सुनने को मिले, तो फिर उसको हम कहते हैं पॉलीटोनिक। Now we have to take a review of the topic which we have to discuss today, and those are, you know, quality of sound, that characteristic of sound by which we can differentiate between two sounds of same loudness and same pitch, right? Due to the difference of their waveform. On which factor quality depends? Quality depends upon the waveform of the साउंड वेव्स, ठीक है ना। तो उनकी वेव फॉर्म से हमें पता चलता है कि ये साउंड जो है ये किसी गिटार की है, सितार की है, किसी पियानो की है, या किसी और इंस्ट्रूमेंट की है, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया इसके अंदर नॉइजी साउंड, म्यूजिकल साउंड, उनका डिफरेंस, मोनोटोनिक और पॉलीटोनिक, ये डिस्कस किए हैं, ठीक है बेटा जी। और इसके बाद जो है मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया या अगर कोई प्रॉब्लम है बेटा, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने टीचर से पूछ सकते हैं। कंसंट्रेट करें, चीज़ों को समझें, क्योंकि ये टाइम है कि हमने अपने इसी एक इशू के अंदर रहते हुए हमने इन चीज़ों को भी सॉर्ट आउट करना है, साथ में अपनी स्टडी पे भी फोकस करना है, अपने आप को सेफ भी रखना है, ठीक है। तो अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम व करम फरमाए, हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, ताकि हम अपने सारे काम सही तरह से कर पाएँ, ठीक है। Okay students, thanks for watching and listening to me. Stay at home, stay safe, use your time in a proper way. Thanks and Allah Hafiz.